आपने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा इसमें सी जो है वो दे रखा है वेलिसिटी ऑफ लाइट और जो हमारा जी है वो है हमारा ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट और जो ई e जो है वो हमारा है चार्ज ठीक है क्या है हमारा चार्ज अब हमें पूछा है डायमेंशनस ऑफ लेंथ तो किस तरीके से करेंगे तो देखिए एल जो है वो हमारा किस किस पर डिपेंड कर रहा है सी जी और ई स्क्वा अपॉन फोर पाई एफसेलन नोट ठीक है अब हमें क्या करना होगा इसके डायमेंशंस निकालने के लिए इसके डायमेंशंस निकालने के लिए हमें इनकी पॉवर को मानना पड़ेगा ठीक है तो मैं मान लेता हूँ सी की जो पॉवर है वो है एक्स ठीक है और जो जी की पॉवर मैंने मान ली वो है हमारी बाई और इस पूरे की जो पॉवर मैंने मान ली जेड अब हमें करना क्या होगा एक्स बाई और जेड इन तीनों की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी अगर इन तीनों की वैल्यू पता कर चल जाए तो सब कुछ सही हो जाएगा ठीक है तो अब हम क्या करेंगे सी को लेंगे सबसे पहले सी क्या होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट एल्टी माइनस में ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं अब हमें जी फाइंड आउट करना पड़ेगा वैसे जी को आपको रटने की जरूरत नहीं है इसको निकालना ही पड़ेगा तो चलिए कैसे निकालते हैं देखते हैं एफ इजकल टू आपको फॉर्मूला पता है जी इंटू एम वन इंटू एम टू अपन आर स्क्वायर होता है ठीक है यहाँ से जी निकालना है तो जी इजगल टू एफ इंटू आर स्क्वायर अपन एम वन और एम टू को हम एक ही मान लेते हो एम स्क्वायर हो जाएगा क्या हो जाएगा एम स्क्वायर हो जाएगा ठीक है तो यहाँ से एफ क्या होता है एम एल टी माइनस टू आर स्क्वायर है तो एल टू हो जाएगा ये अपॉन एम टू ठीक है अब यहाँ से एक एम से एम कट जाएगा तो एम की पावर कितना बचेगा माइनस वन एल यहाँ पे एल यहाँ पे एल थ्री हो जाएगा टी माइनस टू तो हमें जी का भी पता चल गया ठीक है अब हमें पता करना है ई स्क्र अपॉन फोर फाइव से नोट ई एक तरह से क्या है चार्ज अपॉन फोर चार्ज है तो हमें फॉर्मूला पता है एफ इजल टू के क्यू स्क्वायर अपॉन फोर पाई एफ सैलन नोट क्यू स्क्वायर अपॉन फोर आर स्क्वायर सॉरी एफल टू के क्या होता है बन अपन फोर पाई एफ सैलन नोट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर अब हमें एक चीज़ कॉमन दिखाई दे रही है क्यू स्क्वायर अपऑन फोर फाइव एफ सैलन नोट क्यू स्क्वायेर अपॉन फोर फाइव एफ सैलन नोट वही तो चीज़ है ये तो इसको हम अलग कर देते हैं तो एफिकल टू क्यू स्क्वायेर अपॉन फोर फाइव एफ सैन नोट इन टू बन अपॉन आर स्क्वायर ठीक है अब क्या करेंगे इसमें क्यू स्क्वायर अपन फोर फाइव सेन एन की डायमेंशंस निकाल देंगे उसको इसमें पुट कर देंगे हमें पता चल जाएगा इसके डायमेंशंस तो हम क्या करेंगे F को साइड से रखने देंगे F के डायमेंशंस लगाएंगे एम एल टी माइनस टू क्यू स्क्वायर अपन फोर फाइव सैन ए इसके तो हमें निकाल लेंगे पूरे इन टू बन अपॉन आर स्क्वायर की जगह एल टू ठीक है तो क्यू स्क्वायेयर अपॉन फोर फाइव सैन ए इजकअल टू एम एल टी माइनस टू इन टू एल टू का उसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ से जो आएगा हमारा एम एल थ्री टी माइनस टू हो जाएगा कितना हो जाएगा यहाँ से हमारा एम एल टू एल थ्री हो जाएगा एम एल थ्री टी माइनस टू ठीक है तो ये हमारा इसके डायमेंशन निकल के आ गए हमने सी के निकाल दिए जी के निकाल दिए और क्यू स्क्वायर अपन फोर फाइव एफ सेलन नोट का निकाल दिया अब इसमें हम इन डायमेंशंस को पुट कर देंगे तो एल इक्वल टू सी सी कितना एल टी माइनस वन की पावर एक्स ठीक जी कितना है एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू ठीक है इसका बाई पावर ठीक है क्यू स्क्वायेयर अपॉन फोर फाइव सेलन नोट सॉरी अच्छा लो कोई बात नहीं अब रख के तो रख जाने दो हम अगली इक्वेशन में इसको पुट कर देंगे ठीक है कोई बात नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हम इसको दोबारा इक्वेशन में हम इसको पुट कर देंगे ठीक है यहाँ पे जेड ठीक तो -1, एकस, -1, एल इज टू एल टी माइनस वन एक्स एम माइनस वन एल थ्री टी माइनस टू की पावर बाई इसको फोर फाइव नोट कितना हो जाएगा एम एल थ्री टी माइनस टू की पावर जेड एल ठीक है अब हम अपनी तरफ से इसमें एम और एल एम और टी को ऐड कर देते हैं अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो एम जीरो मानना पड़ेगा टी कितना मानना पड़ेगा जीरो चलिए ठीक है अब हम कंपेयर करते हैं एम की पावर इधर कितनी है जीरो ठीक जीरो इक्वल टू यहाँ पर एम कहाँ पर है इसमें तो है नहीं माइनस वन इंटू बाई तो माइनस वाई हो जाएगा या माइनस वन बाई लिख दो माइनस बाई लिख दो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक एम वन तो जेड प्लस वन जेड तो माइनस बाई प्लस जेड इजल टू जीरो या बाई इजिकल टू तो कितना हो जाएगा हमारा जेड ठीक है तो ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई ठीक अब हम करेंगे दूसरी वाली इक्वेशन एल को कंपेयर वन इजगल टू तो एल यहाँ पर पावर वन वन इं टू एक्स तो वन एक्स हो जाएगा एल थ्री थ्री बाई थ्री इंटू बाई थ्री इंटू बाई थ्री वाई, थ्री वाई, प्लस थ्री इंटू जेड प्लस थ्री जेड ये हमारी होगी दूसरी इक्वेशन ठीक अब उसके बाद हमारा जो टी की पावर जो है वो जीरो है इधर तो जीरो इजगल टू माइनस एक्स माइनस टू बाई और माइनस का टू जेड ये हमारी तीसरी इक्वेशन आ गई कौन सी इक्वेशन आ गई हमारी ये तीसरी इक्वेशन ठीक है थे? अब हम क्या करेंगे किसी दोनों इक्वेशन में

ये हमारा थर्ड एक्टर रिशॉल्व का ठीक अच्छे अब आगे चलते हैं अब हम इन एक क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व सेकंड और थर्ड को तो किस तरीके से करेंगे आप जिस तरीके से करना चाहो उस तरीके से कर सकते हो इनको ऐड भी कर सकते हो मैं अपने तरीके से करता हूँ तो मैं अपने तरीके से करके दिखा देता हूँ तो वन इजगल टू तो एक्स प्लस सिक्स जेड और दूसरा एक क्वेश्चन है जीरो इजगल टू माइनस एक्स माइनस फोर जेड ठीक तो माइनस प्लस का ये कैंसिल हो जाएगा वन प्लस जीरो कितना हो जाएगा वन ये माइनस है सॉरी वन इजल टू सिक्स में से फोर गए टू जेड तो यहाँ से जो जेड की वैल्यू निकल के आई वो आई वन बाई टू अब हमें पता है कि बाई इजगल टू जेड है तो मतलब बाई जेड इजगल टू बाई या बाईजगल टू जेड इजगल टू वन बाई टू मतलब दोनों की वैल्यू एक जैसी अब हमें पता करनी है वैल्यू एक्स की किसकी वैल्यू पता करनी है एक्स की वैल्यू तो एक्स की वैल्यू पता करने के लिए आप कोई सा भी एक इक्वेशन ले सकते हो चाहे आप सेकंड ले लो चाहे आप थर्ड ले लो ठीक है तो हमने सेकंड ले लिया वन इजगल टू एक्स प्लस सिक्स जेड वन प्लस एक्स पुट नहीं की वैल्यू पोट निकालनी है जेड की वैल्यू वन बाई टू तो टू तो से सिक्स कट जाएगा थ्री टाइम्स ठीक है वन इजगल टू एक्स प्लस थ्री तो यहाँ से एक्स की जो वैल्यू आई वो आई माइनस का टू एक्स की वैल्यू कितनी आई माइनस की टू ठीक है अब हमें क्या है एक्स बराबर हमने निकाल लिया बाई बराबर भी निकाल दिया वन बाई टू और जेड बराबर भी निकाल लिया वन बाई टू अब इन तीनों वैल्यू को आपको सिंपली इसमें पुट कर देना है एक्स बाई जेड की जगह पर ठीक है तो पुट कर देते हैं यही आपका आंसर हो जाएगा एक्स एल इजल टू सी माइनस टू जी बाई की जगह कितना हो जाएगा वन बाई टू और ई स्क्वायर अपन फोर बाई एफ साल नोट की जगह कितना वो जेड की जगह कितना वन बाई टू अगर आपका ऐसे नहीं दे रखा देखो पावर दोनों की एक जैसी तो हम इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं तो एल इजगल टू सी की पावर माइनस टू जी ई स्क्वायर अपॉन फोर पाई एफ सालन नोट की पावर वन बाई टू ये हो गया हमारा क्वेश्चन क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो तब तक के लिए टेक केयर है बाय बाय ओके बाय